चलो ओके। हार्ट का डायग्राम तो पता चल गया है ना, बना लोगे? नहीं, लेबल्ड डायग्राम आपको। चलो आप किसको कौन सा क्वेश्चन पूछना था? हार्ट आपको ठीक है ओके। ठीक है एक्सरसाइज 8.3 ये फोर्थ क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है बोलो कॉसेक थीटा क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन देख लें। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर LHS है तो ये 1 बाई और cos थीटा क्या होता है? cos थीटा बाई स्क्वायर। ठीक है अच्छा आप बताओ अंदर ही अंदर ये अगर sin थीटा है तो यहाँ क्या होगा? 1 प्लस और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या इसे 1 प्लस बीच में माइनस है माइनस तो इसका स्क्वायर कर लो और नीचे साइन स्क्वायर थीटा बोलो इतनी बात समझ है ये कराया जा चुका है कितना ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या है विषय बोलो? चलो कोई बात नहीं वन अपॉन कॉस बता है बहुत बड़ी बात है। हाँ बोलो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? रुक जाओ देख रहे इनमें कितनी धार है धार बची हुई है कम हो गई सारी। बोलो सौम्या ये तो सपने में ही है। बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर। बहुत अच्छा इतना कम लोग बताते हैं कि वापस चले जाओ। हाँ 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस। हमारे चेहरे पे तो धूप पड़ रही है। बता दिया करो मैं छोटी छोटी समस्याएं अभी ठीक है सर। 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसको क्या निकालना है बोलो? सही है बताओ इसको इससे कट कर दिया तो क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आरएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस हैज प्रूव। अब चलो सेकंड समझ में आ गया है ना थर्ड पे आए सेकंड भी किसी को पूछना है नहीं। पूछा है तो पूछ लो सर वो इवैल्यूएट वाला इवैल्यूएट वाला बहुत सही है। अभी फोर्थ में इवैल्यूएट बात नहीं हो रही। चलो सर मतलब थर्ड पार्ट नहीं जानना है थर्ड पार्ट करें है ना कॉल करने एक बार। चलो tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा ये LHS है और प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इतनी बात है तो हमारे पास tan थीटा की क्या वैल्यू होती है? साइन और कॉस दोनों की कुछ होती है? साइन साइन थीटा पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा इसे लिखें
और cos थीटा क्या होगा? cos थीटा upon sin थीटा। सही है, तो सही दोनों वैल्यू लिखते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो इसको ऐसे लिखो, ये है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और फिर इसमें डिवीजन किससे ये बताओ, वन माइनस कॉट थीटा से है, तो वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा यही है, लेकिन मैंने अपॉन को कैसे दिखाया बोलो, डिवाइड में, और यहाँ पर भी यही करो, कॉट थीटा को क्या लिखोगे, कॉस थीटा बाई, लेकिन डिवीजन को कैसे दिखाओ, तो वन माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो देखो डिवीजन को मैंने ऐसे दिखाया है और यहाँ के डिवीजन को भी ऐसे दिखाया है, बीस का प्लस तो है, अब इसमें एलसीएम लो और यहाँ पर भी एलसीएम लो, तो क्या हो जाएगा, आप बताएं इसका एलसीएम क्या होगा, इसमें एलसीएम लीजिए, डिवाइड में एलसीएम साइन इसका ही साइन, मतलब इस ब्रैकेट का तो एलसीएम लिया जा सकता है ना, तो क्या होगा साइन थीटा माइनस, और क्या होगा साइन से साइन में डिवाइड किया मैंने तो वन आया, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा, सही है, और फिर ये तो हमने लिख दिया अपॉन में, सब कुछ अपॉन में है तो ठीक है, बीच में और ये प्लस लगाओ और ये लिखो कॉस थीटा बाई, और फिर से डिवीजन का साइन, और इसमें कॉस थीटा ले लिया, यहाँ बताओ क्या आएगा कॉस थीटा, और इससे इसमें डिवाइड किया तो वन आया कि नहीं, तो साइन थीटा, फिर वन का साइन मल्टीप्लाई, यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब डिवीजन को बदल दो तो क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कल तुम बोर्ड पे आए थे तो फर्क गए थे, जीत के गए थे कि नहीं, आज जीत के जाना समझ लो पूरा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये समझ में आया, देखो डिवीजन को इंटू कर दिया, पलट दिया बोलो, अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, अब इंटू लगाया, इंटू लगाओगे तो नीचे की चीज ऊपर ऊपर की चीज नीचे हो जाएगी, तो क्या लिखना है बताओ, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ तक ठीक है, कहीं आप लोग ये तो नहीं समझते हो कि ए माइनस बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस है, ऐसा तो नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि माइनस कॉमन ले लो तो पलट जाती अंदर की, करके देख लो अंदर ये माइनस हो गया प्लस है, वही चीज नहीं है, होती है कि नहीं, मान लो जैसे है सेवन माइनस फाइव है तो क्या इसको माइनस फाइव माइनस सेवन लिख सकते हो कि नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि अंदर से माइनस टू आएगा तो प्लस हो ही जाएगा, तो मैं इसको पलट रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ पलट रहा हूँ, जरा ऊपर देखो क्या हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया क्या, और नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो गया क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, देखो यहाँ निकाल दिया रहा निकाल दिया, तो इसे क्या लिखे बोलो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये स्टेप समझो, बोला समझ में आया तो बताओ, मैंने माइनस बाहर निकाल दिया तो क्या पलट गया बोलो, ये जो इसका बाहर निकला तो यहीं तो चला जाएगा, ऊपर नीचे तो कहीं भी चीज जा सकती है, ये देखो इसमें से माइनस हमने ये था माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस अगर आपने कॉमन लिया तो माइनस इनटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो इसका माइनस पहले इसके यहाँ पे बाहर लो, या तुम यहाँ लेना चाहती हो तो भी ये माइनस है, फिर माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बताओ, इतना करने की जरूरत नहीं है, ऊपर और नीचे माइनस कहीं भी जा सकता है, अगर कोशेंट में तो वो तो फ्रीली घूम सकता है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस नहीं आ जाएगा, और यहाँ पे वो चीज निगेटिव आ जाएगी, बात समझ में आ गई ना कि क्या किया गया, कि इसमें का निगेटिव हमने क्या कर दिया बोलो, कॉमन ले लिया कि नहीं बोलो, माइनस बाहर आ गया, अब इन दोनों में से क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सबसे बाहर आ सकता है, क्योंकि अब दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया है, माइनस कॉमन लेने से क्या हो गया है
भाई ये जो वहाँ देखो ना, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये माइनस बी को माइनस बी बाई माइनस है, तो जो पहले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ करता था, अब माइनस कॉमन ले लेने से वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हुआ। माइनस फिर साइन थीटा का क्या? अच्छा तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वो चीज हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ली, यहाँ समझ आई है, ले ली। हाँ। और वही माइनस में ऊपर माइनस वन और नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, बोलो? माइनस चला जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो वो सीधा किया जा सकता है। आप लोग टेंथ में हो, इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा भी कर सकते, सही है। अब क्या कॉमन लेने, सबसे बाहर तो वो नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने कॉमन ले लिया, तो बोलो अंदर क्या बचा, अपॉन और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब इसमें एलसीएम लो तो उद्दित एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम कुछ आ सकता है, बोलो सर, साइन थीटा माइनस कॉस। नहीं, यहां पे एलसीएम बताएं आप, बाकी तो हम लिख लेंगे, मुझे एलसीएम नहीं समझ में, कॉस थीटा इसका एलसीएम आ गया, सही। अब बोलो कॉस से डिवाइड करो, अच्छा आप सही बताया था, पूरा ही बता दे रहे थे ना, तो कॉस से कॉस में डिवाइड करो तो साइन आया, और साइन से साइन के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो तो क्या लिख दें बताइए, साइन क्यूब थीटा, और यहाँ क्या लिख दें, साइन से डिवाइड करो कॉस थीटा, और कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई कॉस क्यूब थीटा। अब नेहा मुझे एक बात बता दीजिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, मुझे थोड़ा याद नहीं। बहुत अच्छा सृष्टि, बहुत अच्छा दिव्यांगी, क्योंकि पहले इन्हीं लोगों का हक बनता है ना, हाँ रुक जा, हाँ चलो माइनस, वो तो सब सौम्या ने बता दिया, यही बोल रही थी है ना, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, अब बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, सही है, हमने ये लगा दिया, तो बोलो क्या ऐसे इस पे लगाया जा सकता है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, लगाओ तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अंदर पे ये लगाइए तो क्या लिखेंगे, पहले लिखो ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इतनी बात समझ आ गई, आपकी मर्जी, पहले कॉस स्क्वायर थीटा भी पहले लिख सकते हो, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या आएगा बोलो, कॉस थीटा और साइन थीटा, इतनी बात आ गई। अब जरा देखो कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों को अब कट जाना चाहिए, क्योंकि ध्रुवांशी ने कह दिया इसे लेंथी करने से कोई फायदा नहीं, तो इसने मान ली ध्रुवांशी, ये ऊपर और ये नीचे कट गया कि नहीं, अब ऊपर क्या बचा बोलो, उसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसको एक बार 1 के नीचे कॉस थीटा साइन थीटा लो, और एक बार किसके नीचे, साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे कॉस थीटा साइन थीटा लो, बात समझ आई, एक बार 1 अपॉन दिस, एक बार जो डिनोमिनेटर था वो साझा होता है ना, सबका होता है, आप इसे समझो, ये चीज से ये कैसा, ये पता चला, ये माइनस बी मेरे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, इससे कट गया, बोलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया, ऐसा कुछ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, कोई ऐसा फार्मूला है,
तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये सही है। इन दोनों को ये तो कट गया ना, इसको वन लिखा, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, देखो उधर तो वन अपॉन ये लिखा और उसके अपॉन ये चल सकता है ना? नहीं चल सकता। तो फिर से देखो ए प्लस बी बाई सी को क्या लिख सकती हो? सर ये तो सबका आ चुका है ना, फिर क्या जरूरत है दोनों को अलग अलग करने? बोलो जब ये कॉस थीटा साइन थीटा पूरे के नीचे है तो उनको आगे चल के अलग क्यों किया? हमें आगे चल के इनको ना, ये पहले ये लिख लिया, चलो हम अलग नहीं करते हैं, लेकिन ये तो तुम्हें पता चल गया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बोलो ये तो समझ में आया? और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, अब इसको वन लिख दें और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ तक ठीक है कि नहीं? अब मैं इसको इन दोनों को अलग अलग लिख दूँ, वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कि इससे सहमत नहीं हो? मुझे तो बस यही अलग अलग पहुँचे नहीं, मतलब ना सहमत हो तो फिर मैं दूसरे तरीके से समझाऊँ, है वही तरीका, लेकिन मुझे यहाँ पहुँचना है, पहुँचना तो मुझे यही है, समझ में आया? क्योंकि इसके बिना आएगा नहीं ना हमारा आर एच एस में। अच्छा बताओ ये वन हो गया क्या कट के? कितना बड़ा है ये? बड़ा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। साइन थीटा और वन अपॉन कॉस थीटा प्लस वन है, बस आप मुझे ये बता दे वन बाई साइन थीटा क्या होता है, बड़ा करेंगे? और कॉस थीटा क्या है? सेक थीटा और प्लस वन, बोल बोलो। ये अलग अलग है लेकिन मैं दोनों को अलग अलग नहीं लिख सकता, जैसे 1 बाई ए बी है तो क्या उसे 1 बाई ए इंटू 1 बाई बी लिखा जा सकता है? ऐसे ही तो लिख दिया, इसको तो याद नहीं रखना पड़ेगा ना आपको, सिर्फ यही सवाल कराया जाएगा, वो नहीं कराया जाएगा, मतलब हाँ वो करवा दिया। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब रही बात आर एच एस, आप यहाँ पर भी करेंगे तो नंबर दे देंगे, दो स्टेप चाहे तो कम लिख सकते हैं। अभी भी नहीं, इतना तो हम बार्गेनिंग कर रहे हैं तुम्हारे लिए, लग रहा ये तीन बच्चे क्लास में कर पाएंगे, अब उसमें कौन तीन है उससे मुझे पता चल जाएगा कि वो तीन तेज बच्चे उनके हाथ में ये चक्कर हो जाएगा मुट्ठी में, कौन है ये लोग ट्रिग्नोमेट्री से खेलेंगे? एक तो अभिषेक है लेकिन बाकी दो कौन है? तुम्हारी कॉपी में आ गया आप क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाकी लोग। अगला शो शुरू हो रहा है, पिछले वाले शो वाले से जमा कर दो। टेकिंग एल एच एस, सो वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये चीज है बस इतना ही। तो एल एच एस लिया तो सेक ए को क्या लिखा जा सकता है? मैं देख सर मेरा सही लो, अभी देखेंगे सेक ए को क्या लिख सकते हैं बताओ? वन बाई कॉस ए,
कॉस ए और डिवाइडेड बाय क्या निकलेगा बोलो सेक ए तो डिवाइड बाय क्या है बोलो वन प्लस सेक ए और डिवाइड बाय सेक ए अब बिकॉज़ इसको अब ठीक है किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए सबको समझ में आना चाहिए यहाँ तक ठीक है अब इसे क्या ले एलसीएम ले लें तो कॉस ए प्लस वन हुआ और इसे क्या लिख लें बोलो क्या कॉस ए कट गया और ये चीज कॉस ए प्लस वन आई है क्या बोलो इसको यहीं छोड़ दें राइट अब इसको कुछ मत करो मतलब फाइनल आंसर है RHS अब RHS भी सॉल्व करो वो भी आ जाए यही कह दो as RHS is equal to RHS दोनों सेम हो गए ये खराब है इतना कुछ नहीं सर मैंने RHS नहीं किया हो सकता है कर देंगे लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे अभी ये लोग शुरुआती सीख रहे हैं ना तो सर अब तो क्वेश्चन आया तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे मार्क्स तो कटेंगे आप मार्क्स कभी जोड़ नहीं सकते अब आगे देखिए साइन स्क्वायर और अपॉन वन माइनस कॉस ए है अच्छा ये बताओ साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर है और अपॉन वन माइनस कॉस है अच्छा कोई मुझे बताएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सब पूरा थीटा नहीं है अब सही है ये मुझे बताओ ये तक ठीक है वन माइनस कॉस है और वन प्लस कॉस है और अपॉन तो क्या ये कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा वन प्लस कॉस है या कॉस है प्लस वन कुछ भी नहीं है हाँ तो वही तो वो बता रही है उसी को रेशनलाइज कर लो ऊपर नीचे वन माइनस कॉस से वही आ जाएगा अब पता नहीं लेकिन उतना नहीं करना चाहता हमने दोनों को सिंपलीफाई कर दिया ठीक है चलेगा अच्छा चलेगा बल्कि अरे बता दें यहाँ तक ठीक है तो देखो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस दोनों वही आ गए ये देखो ये लोग कह रहे हैं कि जब ये आ जाए आपका कॉस ए प्लस वन तो कह रहे हैं इसी को हम आर एच एस लाएंगे यहाँ से इसके आगे और देखो यहाँ तक तो आ गया ना तो अब ये लोग कह रहे हैं कि कॉस ए प्लस वन को क्या लिख सकते हैं क्या वन प्लस कॉस ए और लिखो वन माइनस कॉस ए और नीचे भी क्या लिख दो तो बोलो वन माइनस कॉस ए वन प्लस कॉस ए क्या होता है और सेके के नीचे सेके मतलब अच्छा अलग अलग ठीक है वो भी हम बता दे रहे हैं स्वामी ने एक और मेथड बताया है हम लोगों को चलेगा तो चलेगा और फिर वन बाय सेके और सेके सेके ये सही है एल एच एस सही करते करते यहाँ आ जाओ ये पसंद आ रहा है कि कई मेथड है वो तीसरा बता रही है भाई ट्रिग्नोमेट्री तो कई तरीकों से हो सकती है ना ये समझ में आया क्या 1 + sec क्या अच्छा हां मतलब ऊपर नीचे से कर लिया तो 1 - cos उस बस को sin लिखो ठीक है ये बताओ सबसे अच्छा पहले वाला है और बताओ ये गलत नहीं है ये गलत नहीं है और अब सबसे अच्छा मेथड है इसका सौम्या का अलग अलग वन बाई सेक प्लस सेक प्लस सेक तो फिर उससे आ जाएगा वो सबसे अलग मेथड बता रही है पूरा शुरू करना पड़ेगा वन प्लस सेक अपॉन सेक तो किसने लिख दिया वन बाई सेक प्लस सेक बाई सेक वन बाई सेक क्या कॉस से होता है अब लिखो वन प्लस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए और अपॉन तो क्या ये वन माइनस कॉस स्क्वायर है तो क्या ये साइन स्क्वायर है
ऐसे बहुत मेथड होते हैं, सब लोग अपना अपना बनाते हैं। ये पसंद है, ये सौम्या का मेथड है, प्रवीण का वो मेरा है। जो पसंद है इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो अगला सवाल। मुझे मेरा वाला ही समझ में आ रहा है। करने की जरूरत नहीं है। आप प्रवीण के मेथड से कर लो। देखो वन प्लस साइन है और वन माइनस साइन है, इसी रूट को बहुत लंबा कर लो, और वन प्लस साइन है और वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए का कंजुगेट लिखो। कंजुगेट यानी जब साइन बदल दिया जाता है बीच का चिन्ह, तो उसको कंजुगेट कहते हैं, व्युत्क्रम। माइनस की जगह प्लस कर दो तो उसको क्या कहते हैं? कंजुगेशन के लिए कंजुगेट का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? माइनस की जगह प्लस नहीं लिख देते हैं वन। अब यहाँ पर भी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बताओ ऊपर क्या आएगा? तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे क्या जाएगा? अच्छा ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा? और नीचे कोई मुझे बता सकता है इसकी वैल्यू क्या होती है? रूट वन माइनस, देखो ये रूट है और ये स्क्वायर ऐसे ही तो है, और नीचे रूट के साथ क्या है? कॉस स्क्वायर है, बोलो यही तो है। तो अब मैं क्या रूट हटा दूं दोनों का? देख लो, इसको लिखा स्क्वायर और इसको लिखा ये, बोलो दोनों का ही रूट हट जाएगा क्या? रूट से स्क्वायर है ना दोनों पे, ये बाहर रूट है तो क्या हट जाएगा? तो क्या बचेगा बोलो? वन प्लस साइन है और नीचे क्या बचेगा? कॉस है, लेकिन वन बाई कॉस है दिखा जा सकता है इसको, और क्या लिखा जा सकता है? और साइन है बाई कॉस है। नाउ दिव्यांगी, वन बाई कॉस है क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, सुप्रिया हाँ अच्छा बता रही हो, ऐसे ही बताते रहना आगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो मैं इसे आर एच एस लिखूं, सही है? ज्यादा बताओगे तो ज्यादा पूछेंगे तुमसे, बेस कर नहीं। इतनी बात समझ आ गई? अब तुमको दो सवाल कर, कौन कौन से? एक क्वेश्चन नंबर फोर, और वो भी फोर ही है क्या? फोर ही है। ये फिफ्थ होगा फिर? अच्छा ये सिक्स, फोर्थ और सिक्स करो, यानी फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। और क्वेश्चन लिखे रहने देना, बोर्ड का थोड़ा सुंदर सुंदर रखना। हां ठीक है, अरे समझ में याद आ जाता है सबको। हां सही में मुझे मिलता ही नहीं है इसमें का। चलो नाउ अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, सब लोग सौम्या के ही मेथड को वो कर रहे हैं, अब इसी की कोचिंग चलेगी। तो अब सब बच्चे मेरे इसी कोचिंग में जाया करेंगे। सर वो क्या आपने टाइटल्स रखा था सर नेम से कोचिंग में? ये लीजिए। फिर उसकी पोस्टिंग आ गई लास्ट में, वो मरी गया।
जिसने दूसरे की कोचिंग में सेंध लगाई लास्ट में मर ही गया। हटा दे अब मल्टीप्लाई किया ना तो मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए तभी तभी तो राइट हैंड साइड आएगा। मतलब राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में ये चीज थी साइन स्क्वायर ए, तो मल्टीप्लाई करो तभी तो साइन स्क्वायर ए आएगा ऊपर। तो साइन स्क्वायर ए निकाल एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना, ऐसा नहीं कर सकते एलएचएस दो आया और आरएचएस को सॉल्व करके एक कर ले। चलो करो स्टार्ट करो, देखो कई लोग करना शुरू कर दिए नंबर जाएंगे लेकिन मैं चलो यही करूंगी। हां पर देखते हैं ना क्या। ओके स्टार्ट करिए। साइंस के चार क्वेश्चन आएंगे, 16 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो जो ये तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन है इसका सब सवाल आएगा, इतना जान लो। ये सब चार चार नंबर के सवाल है। अब ये देखो सके को क्या लिखेंगे की जाएंगी ये बताती नहीं, ऐसे रुक रुक के मैं बताना मुझे पता नहीं चल पाता। वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस, हां तो बीच में आप अटक गई थी। अच्छा सही, अटकना नहीं है। चलो अब इसका क्या लिखो, साइन थीटा और इसका क्या लिखें,
अच्छा ये मुझे बताओ कि जो साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा मुझे हाँ बताओ बोलो चलो दिव्यांगी बताओ वन माइनस अच्छी बात है सुप्रिया बताओ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बहुत अच्छा क्योंकि अपॉन वन है तो वन से इसमें डिवाइड किया तो साइन ही आया ना और फिर उससे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो वन माइनस और नेहा मुझे ये बताओ दूसरे में क्या आ जाएगा चलो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए वन माइनस साइन स्क्वायर है नेहा क्या होता है लिखिए तो दैट इज कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए और इसे क्या लिखते हैं क्या ए कॉस ए इससे कट जाएगा और एक साइन ए कॉस ए साइन ए तो आंसर क्या आया क्या यही आर एच एस है बोलो नहीं नो ये आर एच एस ही नहीं निकला सो लेट अस राइट आर एच एस क्या इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है टेन ए प्लस कॉट ए वो भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा नहीं तो डिवीजन इसका मान लिया जाएगा ठीक है वन डिवाइडेड बाई ऐसा लिख सकते हैं ना टेन ए को क्या लिखे ठीक है साइन ए बाई कॉस ए और कॉस कॉट ए को ठीक है अब इसको एलसीएम लो कॉस ए साइन ए दिव्यांगी बताओ जरा क्या कोई नहीं बताएगा बोलो ऊपर क्या लिखे ऊपर साइन ए बहुत अच्छा सृष्टि बताओ ऊपर कॉस ए इनटू साइन सही बता रही हो साइन से साइन में मल्टीप्लाई तो क्या हुआ साइन स्क्वायर है ना फिर से समझो इससे इसमें डिवाइड करती हो तो क्या बचा साइन बचा साइन से ऊपर मल्टीप्लाई सर वन डिवाइड वन करेगा अब यहाँ पर बैठ देखो साइन से डिवाइड करो तो कॉस के ऊपर मल्टीप्लाई करो बोलो सही है अब बोलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है तो वन डिवाइडेड बाई क्या वन बाई कॉस ए साइन ये लिख दें और अगर डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदला जाए तो कॉस ए साइन ए डिवाइडेड बाई वन बोलो ऐसा हो सकता है पलट दिया तो आंसर क्या आ जाएगा कॉस ए या जो एल एच एस है वही आर एच एस है तो इससे सिद्ध हुआ इति सिद्धम इति सिद्धम यानी हैंस प्रूव्ड नाउ अब अगला सवाल देखो टेन इति सिद्धम ये छोटी है छोटी से इंटी ठीक नहीं अब देखिए टेन सर पहले मेरा ध्यान इस सिक्स्थ पॉइंट पे गया है अरे तुम सिक्स्थ पॉइंट की बात छोड़ो सेवन पॉइंट पे ध्यान ए बड़ा है ए 90 डिग्री क्या चलो वन प्लस टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर है और नीचे क्या तो मैं इन दोनों ही बातों को मुजीद से पूछना चाहूंगा कि बोलो वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है
बहुत अच्छा, देखो तुम इतना अच्छा बता लेते हो ईशान। अच्छा बताओ sec स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई cos स्क्वायर है, और cosec स्क्वायर की क्या होती है? तो क्या ये पलट जाएगा? बोलो ऐसा हो सकता है? तो ऐसा क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया है कहीं पर? बोलो tan स्क्वायर बोला गया है? तो मैंने इसको tan स्क्वायर प्रूफ, पहले अब दूसरे को भी तो tan स्क्वायर प्रूफ करें। सर मिडल वाले को क्या कहते हैं? MHS। MHS कुछ नहीं, उसको भी tan स्क्वायर प्रूफ करो, इसको जैसे किया है। चलो अब देखो, ठीक है कुछ किस लिखने की जरूरत नहीं, बस यही लिख दो, हो गया। ऐसे लिख लो ना मिडिल टर्म, मिडिल टर्म लेफ्ट टर्म, और ये राइट टर्म है। अब देखो 1 माइनस tan a, और नीचे क्या 1 माइनस cot a, और इसका स्क्वायर कर, ठीक है? ये बात समझ आ गई? देखो नाउ इसे क्या लिख सकते हैं? क्या साइन ए बाई कॉस ए? स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा ना, और इसे क्या लिख लें? कॉट ए को 1 माइनस कॉस ए बाई, और इस पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, अंदर ही अंदर है चल, इसका एलसीएम लो तो कॉस ए आ गया, फिर देख लो कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ क्या लिख लें बोलो? और इसे क्या लिखे? अब मैं लिखूं cos a माइनस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे क्या cos स्क्वायर लिख दूं, और इसे इंटू लगा दिया, तब क्या करें? और नीचे क्या लिखे? साइन a माइनस cos a का स्क्वायर। देखो इसमें a माइनस बी है, और इसमें b माइनस ए का स्क्वायर है, ध्रुवान से अगर ये दोनों काटे जाएं तो क्या एक्स्ट्रा बचेगा? ये a माइनस बी का स्क्वायर है और ये b माइनस ए का स्क्वायर, क्या ये आपस में कट सकते हैं कि नहीं कट सकते? अगर माइनस कॉमन ले तो शायद। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 माइनस 7 का स्क्वायर है और 7 माइनस 5 का स्क्वायर है, तो इनका कहना है कि माइनस 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ये तो कट ही सकते हैं, यही कहना चाहती थी ना तुम? जैसा कि ध्रुवांशी ने बताया हम सबको कि उससे कुछ नहीं पड़ता, अगर ब्रैकेट के अंदर चाहे a माइनस बी हो या b माइनस हो, आता तो वही है स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं आता दोनों? a माइनस b का स्क्वायर करोगे तब क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और b माइनस a का स्क्वायर करोगे तब क्या आएगा? वही चीज है, तो क्या कट नहीं जाएंगे? और नहीं तो यहाँ तो एक कट तो रहा, तो क्या सिंपली काट दे तो tan स्क्वायर आ जाएगा? देख तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर अपॉन, तो ये टैन स्क्वायर है, तो क्या इससे भी राइट टर्म आ गई? इति सिद्धम एंड प्रूफ। अब हम लोग 9th और 10th क्वेश्चन करेंगे।
चलिए हटा दिया जाए। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। कॉस है माइनस साइन है, ठीक है, साइंस का टेस्ट कैंसिल है। मैथ तैयारी करना। कॉस है माइनस साइन है प्लस वन अपॉन कॉस है प्लस साइन है माइनस वन। इसको आपको प्रूव करना है, किसके प्रूव करना है बताइए, क्या कॉस है के बात ना करें फिर ये सवाल नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए रखा है लास्ट में कि आप लोग बात ना करें। दैट इज कॉस है प्लस साइन है और माइनस वन, बोलो समझ में आ गया बात। LHS लिख लिया, क्योंकि हमको यहाँ कॉसेक और कॉट लाना है तो कॉट कैसे आएगा, मैं कॉस में किससे डिवाइड करूँ तो कॉस आएगा, साइन से करते हैं वन बाई साइन करो तो भी क्या कॉसेक आ जाएगा, तो इसलिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम दोनों को किससे डिवाइड कर रहे हैं, अब समझ में आएगा। तो कैसा ध्रुवांशी ने बताया कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, अंश और हर को साइन ए के द्वारा विभाजित करने पर, सो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाय साइन ए लिखते हैं और नीचे भी बोलो कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन डिवाइडेड बाय, लेकिन अगर ऐसा डिवीजन होता है तो क्या इंडिविजुअली भी हो जाता है, तो इंडिविजुअली होगा तो ऊपर क्या कॉस ए बाय साइन ए आएगा और माइनस साइन ए बाई साइन ए आएगा और प्लस वन बाई साइन ए, ऐसा तो ऊपर हो गया इस रिश्ते में, क्या आप इससे सहमत हैं। अब नीचे भी होगा दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस, बिल्कुल सही है। तो जैसा कि कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए और माइनस वन बाई साइन ए, ठीक है। अब जरा देखो कॉस ए बाई साइन ए क्या होता होगा, कॉट ए और माइनस वन और यहाँ वन बाई साइन ए क्या होता है, और डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई साइन ए क्या हुआ, क्या कॉट ए प्लस वन और माइनस कॉस ए के, यहाँ तक ठीक है। अब जरा देखो आपको क्या लाना है, कॉस ए प्लस कॉट ए, चलिए तो जो तुम्हें लाना है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करो और जो तुम्हें लाना है उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करो, जो लाना हो क्या लाना है कॉस ए इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो लिखो cot a माइनस वन और प्लस cos a के, और नीचे क्या लिखो cot a और प्लस वन माइनस cos a, और ऊपर भी मल्टीप्लाई cos a के और प्लस cot a, और क्या इसी से नीचे भी मल्टीप्लाई। अभी तक मैंने सिर्फ साइन ए से डिवाइड ही किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। देखो क्या किया है, ऊपर नीचे साइन ए से डिवाइड किया ना, और अगले स्टेप में क्या किया है, जिससे जो लाना है क्या उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या ऊपर तुम्हें ये लाना है, तो ऊपर ये ऊपर मत मल्टीप्लाई करो, ऊपर सिर्फ अलग अलग रखो और नीचे कर दो, जहां तुम्हें लाना है बोलो, न्यूमरेटर में कॉस ए प्लस कॉट ए लाना है कि डिनोमिनेटर में,
तो जहाँ लाना है वहाँ छेड़ो नहीं, और जहाँ नहीं लाना है वहाँ छोड़ो नहीं। तो ऊपर लाना है ना, ऊपर मत छेड़ो उसको, बोलो तुम ठीक है पड़ेगा तुम आ जाओगे बाद में, और यहाँ नहीं लाना ना, इसको बोलो हटो तुम। अब जरा देखो ऊपर लिखो cot a माइनस वन प्लस cos a के, और इंटू cos a के प्लस cot a। अच्छा जरा मल्टीप्लाई करो एक एक का, cot a के cos a किससे, a से करो cos a के, ठीक है तो लिखो cot a। अच्छा यहाँ एक और चीज थी ना, क्या थी, cot a प्लस वन माइनस। चलो अब देख लो cot a से मल्टीप्लाई करो पहले, तो क्या लिखोगे cos a प्लस cot a, और फिर किससे करोगे, वन से भी करोगे क्या, और फिर किससे करोगे cos a से, किसमें करोगे cos a प्लस cot a। यानी मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया है, पहले cot का मल्टीप्लाई फिर प्लस वन का मल्टीप्लाई और फिर कर लिया। ये देखो ऊपर ऐसे लिखते रहिए, ऊपर का कुछ नहीं करना, और ये cos a प्लस cot a मल्टीप्लाई करते ही तुम्हारा आंसर है। मल्टीप्लाई करो जरा cot a cos a और प्लस ये क्या है बोलो, सही बात है, इसको करो जरा cos a प्लस, और यहां भी तो जरा करो माइनस, और माइनस cos a के, क्या cos a के cot a कट जाएगा बोलो। अब यहां पर देखो कि कोई मुझे बताए cot स्क्वायर a माइनस cos a स्क्वायर a भी कुछ होता है, जरा देखें। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ cot स्क्वायर a क्या होता है, कोई यही बता दे। 1 by जैसे 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है, cos a स्क्वायर a, तो cot स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिखूं, तो ये लिख सकते हैं ना, ये समझ में आया, cot स्क्वायर a की जगह क्या लिखूं बताओ, लिखो cot a माइनस वन प्लस, अच्छा सीधा वन भी तो लिख सकता है cot a। लो यही हम सोच रहे थे, ये बोल दिया, ये सालों में बच्चे ऐसा बोलते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर से समझो cot स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, ये कह रहे हैं जब वहां पर आपके पास cot स्क्वायर a भी है और माइनस cos स्क्वायर a भी है, तो क्यों नहीं आप उसे माइनस वन लिख देते, उनकी बातों में गहराई है। cot स्क्वायर a क्योंकि यहाँ cot स्क्वायर a भी है और cos स्क्वायर a भी है, तो ये कह रही इन दोनों की जगह आप माइनस वन लिखो। क्या चीज ज्यादा पसंद आ रही है आपको, पहले वाला कि दूसरा, पहले वाला है तो पहले वाला लिख दे। चलो ये कट गया, ये क्या है बोलो cot स्क्वायर a, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं cos स्क्वायर a माइनस, सिंपली लिखो। अच्छा और प्लस cos a के और प्लस cot a माइनस cos स्क्वायर a, बोलो ये बात समझ में आई, सिर्फ मैंने cot स्क्वायर की जगह लिखा यहाँ तक, ठीक है। क्या ऐसा करने से cos और cos कट जाएंगे, बोलो कट गया, और तुमको ऐसा लग रहा है कि cot a प्लस cos a माइनस वन यहाँ पर भी है और cot a प्लस cos a माइनस वन यहाँ पर भी है, और ये भी कट जाएंगे। ऊपर क्या बताओ cot a माइनस वन प्लस cos a, और नीचे क्या है नहीं, ये देखो इसको भी लिखो cos a है ना, वही सब लिख लो, है वही चीज है, बस थोड़ा इधर उधर करके लिख दें तो लिखना जरूरी है, ऐसे लिख देते हैं सर। वो बीच वाला cot स्क्वायर कहां गया, बीच वाला देखो, अब देखो ये था ना, हाँ। क्या इसे आपने cos स्क्वायर a माइनस वन लिखा है cot स्क्वायर a को, बोलो इतनी बात समझ में आई,
सो अब क्या आ गया औसत ए प्लस कॉट ए और यही आ रहे जैसे हैंस प्रूव्ड है और इसी के साथ छुट्टी हुई। पूछ लो फिर से पूछो। कॉट स्क्वायर एक जगह की जगह तो कॉट स्क्वायर लिख दिया। कॉट स्क्वायर लिख दिया। कॉसेक स्क्वायर माइनस वन लिखा देख लो। लेफ्ट वाला कौन ये वाला ये तो इससे कट जाएगी निगेटिव था देख लो ये मल्टीप्लाई भी तो है एक ही तो टर्म है बोलो और पूछ लो कोई पूछना चाहे एक सवाल बचा है वो नहीं आएगा बाकी जितने हैं जो बचा है वो नहीं आएगा बाद में करवाएंगे माइनस वन वाला ज्यादा यही ना इसमें कुछ करना ही नहीं माइनस वन उसमें जल्दी जाएंगे कोई बचा ही नहीं सब चले गए थे। ओके एकलव्य थैंक यू अवनी थैंक यू। माइनस वन का माइनस वन है कॉट ए है